बांका के मदरसे में हुए बम ब्लास्ट पर मधुबनी जिले के बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि मदरसे में सिर्फ धर्म और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। ये विस्फोट साबित करता है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। मदरसे की शिक्षा से आज तक कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना है। स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहां आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं, वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सारे मदरसों को की जांच हो और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, मेरे विधानसभा बिस्फी में भी अभी गरीब पिछड़ा दलित पर अत्याचार एक समाज के द्वारा किया जा रहा है। यह उच्च स्तरीय रणनीति चल रही है, समाज को बांटने का काम हो रहा है। सरकार इसको गंभीरता से ले, साथ ही बिहार के सभी मस्जिदों की और मदरसों की जांच हो, केवल वहां नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। इस बयान के साथ ही हरिभूषण ठाकुर ने धमाके की उच्च स्तरीय जांच के साथ सरकार से बिहार की सभी मस्जिद और मदरसों की भी जांच की मांग कर दी है। हम आपको बता दें कि बांका जिला के टाउन थाना के नवटोलिया में एक मदरसा में जबरदस्त विस्फोट के बाद खौफ पसर गया था। ये धमाका मंगलवार की सुबह हुआ। विस्फोट होने के बाद मदरसा पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि मदरसा का एक हिस्सा सड़क के दूसरे किनारे जा गिरा। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि ब्लास्ट मदरसा के बगल के कमरे में हुआ था। इलाके में चर्चा है कि धमाके में 4 लोग जख्मी हुए हैं और उन्हें गुप्त ठिकाने पर ले जाया गया है। पुलिस का ये भी कहना है कि धमाका बम से हुआ है, लेकिन बम कहां से आया, कैसे फटा, इसके बारे में पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है।